एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेड वैल्यू जो बताया था वो एवरेज नहीं हो सकती फिर हमेशा? एवरेज ही है एक तरह से, एवरेज ही है सभी का, अगर लेकिन सबका एवरेज किसका प्रोबेबिलिटी है? बराबर है प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई, E1P1 E2P2 अपॉन P1 प्लस P2 अप टू दिस। अब ये टर्म तो वन है, इसीलिए हमने एक्सपेक्टेशन सिग्मा PI EI लिख दिया। तो फिर वो प्रोबेबिलिटी अगर अपन इक्वली इक्वली सैंपल स्पेस माने हो, मतलब इक्वली लाइकली सैंपल स्पेस माने, तो वो हमेशा नीचे एवरेज वाली चीज ही बन जाएगी। हाँ? अगर P1 P2 सब बराबर है तो एवरेज आएगा, लेकिन P1 P2 P3 बराबर हो इसके कितने कम, वो तो बहुत टप्पा क्वेश्चन हो जाएगा। वो तो ऐसा होगा हमने डाई थ्रो किया डाई, हाँ ऐसे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ या एक्सपेक्टेड आउटपुट, आउटपुट तो आएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 बाय 6, 3.5 आउटपुट आ जाएगा एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर पूछा होता पेयर ऑफ डाई हमने थ्रो किया, अब एक्सपेक्टेड आउटपुट पूछा होता, तो अब सम 2 आने की प्रोबेबिलिटी कुछ और है, 3 आने की कुछ और, 12 आने की कुछ और, से इसकी 1/36 है, इसकी 1/36 है, इसकी 2/36 है, समझ गए ना? हाँ हाँ बिल्कुल तो अब हम डायरेक्ट नहीं कह सकते ना कि क्या आएगा आंसर। ठीक। सर एक क्वेश्चन सर ने इस चीज से रिलेटेड लिया था कि एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप्स टू गेट कंसेक्यूटिव टू हिट्स। एक्सपेक्टेड नंबर एक्सपेक्ट ऑफ, नंबर ऑफ कॉइन फ्लिप्स टू अरे गेट वो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, वो क्वेश्चन छोड़ दो, नंबर बता दो, बड़ा दिमाग खराब हो गया था इसलिए नहीं, वो एक मिनट, वो मुझसे भी डिस्कस हुआ था, वो जेला नहीं क्वेश्चन छोड़ सर। दो, वो बहुत ही अलग है, वो एक्सपेक्टेशन की प्रॉपर्टीज लगती हैं उसमें, छोड़ दो, उसने कहीं से क्वेश्चन इंटरनेट से उठा लिया था, अच्छा तो गलत जगह से उठा लिया है ना, तो अपन को नहीं करना वो, जेलिना तो एक्स की एक्स के बिल्कुल ही इक्वल नहीं करता दिलाती। था। नहीं उसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ने के लिए है। इसी के जस्ट ऊपर एक और क्वेश्चन बताया था सर ने कि एक पर्स का पर्स में 4 कॉइन्स है, दोनों 1 के हो सकते हैं 2 के हो सकते हैं, ₹1 और ₹2। तो अपन को एक्सपेक्टेड वैल्यू बतानी थी सच द कॉइन और 4 ऑफ 1 रुपी। मतलब एक क्वेश्चन नहीं चल रहा था, कैसे पूछने कैसे सच दैट वाले के आगे नहीं चला। मुझे तो क्वेश्चन ही नहीं चला तुमने क्या कहा, इसमें ₹1 या ₹2 के कुछ भी कॉइन होने थे, हाँ अब अब वो तो इसमें एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या मिलेगी जो अपन सिक्का उठाएंगे उसकी, कोई तो उठाया? हाँ तो केसेस चार बनेंगे कॉइन ना डालने हैं कि बस। चारों ₹1 कॉइन की प्रोबेबिलिटी 1/2 टू दी पावर 4। यस हाँ सर। तो चारों वन देखो रुपी कॉइन है। 3 1 रुपी तो 4C1 या 4C3 1/2 पे 4। हाँ यही सर। सर सिलेक्शन क्यों किया है? सिलेक्शन अलग अलग है ना, अलग अलग। क्योंकि चार कॉइन ABCD हैं, हमने कहा इस पे ₹1 है, इस पे ₹2, इस पे ₹2, इस पे ₹2, तो इस पे ₹2, इस पे ₹1, इस पे, ये केस नहीं लोगे, ये केस कौन काउंट करेगा? कौन ये किस नंबर ऑफ पुरी केसेस है लगे? ना इसके, 4C3, अच्छा हाँ तो ये केस बनेंगे। ठीक है, इसमें से एक्सपेक्टेड वैल्यू अपन डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं? पहले वाला केस मान लीजिए जैसे एक कॉइन उठाया और तो ₹1.50 आ जाएगी एक्सपेक्टेड वैल्यू, और क्या सिमेट्री है, सिमेट्री वो तो आ रही थी है, ₹1.50 आ जाएगी, जो ₹1 के साथ घटना घटी वही ₹2 के साथ घटना नहीं, घटी, तो मैं नहीं एवरेज उसकी 1.50 आ बात नहीं कर जाएगा। रहा, नहीं उसकी बात नहीं कर रहा। आपने जो पहला केस लिया ना 4 1 कॉइन्स वाला, तो हाँ उसमें मैं पूछूं डायरेक्टली 4 का मल्टीप्लाई करना सही होगा कहाँ 4 का मल्टीप्लाई, इसमें एक्सपेक्टेड चार वैल्यू? रुपए का, हाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालने के लिए। हाँ इसमें ₹5 का, हाँ हाँ तो तो ये ये तो करना सही डायरेक्टली सही निकला। है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल टोटल वैल्यू बस इसलिए है ना। टोटल वैल्यू निकाल ली ना, फिर टोटल वैल्यू अपॉन टोटल कॉइंस कर देना, तो ये पर हेड आ जाएगा, पर हेड ही एक ही कॉइन निकालते तो सर। निकाला क्वेश्चन में, कहा तो एक कॉइन निकाला, हाँ हाँ तो एवरेज वैल्यू ही तो निकाल ली। चलो कोई और, एक और था, एक लॉन टेनिस वाला, उन्होंने क्वेश्चन कराया था एक, उसका कोई दूसरा सर्व था कर रहे। उसमें मेरे को लग रहा है टेनिस में कि बोलो, हाँ उसमें लो टेनिस वीडियो में बना ऐसे लो, था कि दो लोग खेल रहे थे, कोर्ट बना बनाने लो की जब जरूरत तक तुम नहीं बोल थी। रहे हो। हाँ हाँ दो लोग वो खेल रहे थे, ए और बी थे कुछ। हाँ हाँ और वो ऐसा था उसमें दिया हुआ था कि मैच अभी ड्यूस की कंडीशन में है, अभी ड्यूस हुआ हुआ है और ए जो है पहले सर्व कर रहा है, और ऐसा दे रखा था कि जो पहले सर्व करता है उसकी जीतने उसकी पॉइंट स्कोर करने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 2/3 है। हाँ तो ये सर्वाइव, हाँ हाँ टू और सक्सेसेस कर हर लेगा। हर पॉइंट के बाद सर्व चेंज होगी।
हर पॉइंट पर जो जाएगी टू सक्सेसिव करने पे जीत जाएगा, टू सक्सेसिव करने पे जीत जाएगा। दूसरी कंडीशन यही रहती है कि दो लगातार कितने मैच खेले इनने, कितने खेले, कितने भी खेल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी इनफिनिट तक कर सकते हैं। नहीं अभी ड्यूस था ना, तो जिसने दो पॉइंट्स लगातार स्कोर कर लिए वो जीत जाएगा। हमें एक को जिताना है, या तो ये आएगा हां, या तो दो मैच में खत्म हो जाएगा हां। इवेंट्स निकाल लेते हैं हां, एक ही जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी थी। तो अब तो लास्ट में तो इसको ए करना ही है, ये करना है ए बार। हाँ ए बार बस बस ये बनेगा पैटर्न, ए बार आएगा ना, इनफाइनाइट जाएगा ना। हाँ इन पैटर्न, इसलिए तो मैंने पैटर्न वर्ड यूज किया। ठीक है अब ए की प्रोबेबिलिटी पहला 1/2, लेकिन इनका पैट वो सीरीज बननी चाहिए कुछ अच्छी। सर जो सर्व नहीं कर रहा है ना उसकी प्रोबेबिलिटी जीतने की 1/3 थी। हाँ हाँ तो कर रहे हैं ना, अब करेंगे ना, करेंगे ए बार 1/2, 1/3, 2/3। अब अगर ये पैटर्न बन गया तो अच्छी बात है, नहीं तो छोड़ देंगे। 1/2 क्यों लिया आपने, 1/3 क्यों कर रहे सर? इसमें एक एक पॉइंट के बाद पहले तो दोनों इक्वली प्रोबेबल है ना, नहीं क्यों इनिशियली तो 1/2 होगा ना। नहीं नहीं क्यों सर, वे कर रहा है ना, हमको दिया हुआ है ना सर, जो सिस्टम वाला केसन है सर, उसपे सर चेंज भी होती थी क्वेश्चन में गिवन है नहीं, और हर हर उसके बाद सर चेंज भी होती थी। हां पहले स्टार्टिंग ऐसे चेंज भी हो नहीं, ओके हां मैंने समझा जीतो तो सर्विस मिलेगी। नहीं 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 पॉइंट स्कोर करने पे सर चेंज हो गई। ठीक है ठीक है 2/3 सर, सर 1/3 सेकंड वाले केस में गेम 12 पे ड्यू पे नहीं, ड्यूस पे नहीं आ जाएगा तो एक और ही नहीं, एक और नहीं जीतना, एक और ही चाहिए पड़ेगा। एक एक पॉइंट के बाद दोबारा ड्यूस पे आएगा। ए सर्व कर रहा है, अब ए ने सर्व किया और हार गया, हां तो 1/3 ए जीत गया तो ड्यूस पे आ गया। अब ए जीत गया 1/3 ड्यूस पे आ गया, जीत गया फिर एक और जीतना पड़ेगा, फिर एक और जीतना है अभी, एक और ए ने सर्व के बाद एक और आएगा 1/3। इसके बाद दो जीतने पड़ेंगे ना, ओके दो मैच जिताने, दो क्यों जिताने, तो फिर हमें ए बार ए ये कंपेंसेट हो गया, अब जाके ए आया। हाँ और चार में अगर ये ही जीत जाए और ए बार हो जाए तो फिर तीन ही लगेंगे है ना, ये जीत गया अगला ये जीत गया तो ये खत्म हो गया, दो इसके दो केस बन गए, वो तो दो इसके बन गए, बर्बाद हो जाएंगे ऐसे मुझे तो लग रहा है। बहुत सारे इसी तरह जुगाड़ ने बड़ी कोई पैटर्न बन जाए तो बन जाए, लेकिन उसमें एक को एक केस छोड़ दिया था कुछ नहीं सही किया। नहीं उन्होंने ये नहीं सोचा था कि पहले कि अगर ए ने, उन्होंने ऐसे केसेस लिए थे कि ए ने पहले पॉइंट स्कोर किया और अगला भी उसने कर दिया तो हर के उसके बाद ये हो रहा था कि ए पे ही आ रही थी सर दो सर्व के बाद। सर उन्होंने सेकंड और थर्ड केस को कंबाइन करके एक केस माना था। हां सही किया, पहली बार ड्यूस हो गया, ड्यूस के कितने चांस है, उन्होंने सेकंड वाला केस लिया ही नहीं, उन्होंने ऐसे लिया था ए जीता पहले एक ड्यूस हुआ फिर ए जीता फिर दो ड्यूस फिर ए जीता। दो केसेस हैं, चार गेम के दो केसेस हैं, रिकर्शन से होगा ऐसे तो बहुत लफड़ा हो जाएगा इसमें। सर ऐसे होगा कि अगर ए सर्व कर रहा है, ए सर्व कर रहा है तो ए के सक्सेसिव जीतने की प्रोबेबिलिटी निकाल ली हमने, चार जो चार तरीके से ड्यूस हो सकता है ना, उन्होंने उसको पहले एक केस में एक पहले निकाल ली उसी प्रोबेबिलिटी। जैसे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इज विन अगर पी हां अगर ए सर्व कर रहा है तो इस हां ए सर्व कर रहा है तो वो निकाल लिया हमने टू सक्सेसिव का मल्टीप्लाई करके 2/3 × 1/3 है ना। लेकिन इसमें एक दिक्कत आएगी कि ड्यूस के बाद ड्यूस आया, अब इसकी प्रोबेबिलिटी पी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कुछ और होगी। सर मैंने इसको कैसे किया था, उसके बाद मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, उसके बाद भी जीतना है तो फिर सर तो उसकी उसी के हाथ में होगा, बस आ जाएगी प्रोबेबिलिटी विनिंग की तो भी सेम ही रहेगी, ड्यूस के बाद भी जीतने की प्रोबेबिलिटी ड्यूस के बाद भी सेम ही रहेगी ना। नहीं हर ड्यूस के बाद हम ऐसे सोच सकते हैं कि ये गेम जीरो से चालू हुआ है। दो मैच ही ड्यूस में लग रहे हैं और दो मैच ही उसमें लग रहा है इसलिए वो हो गया।
हर नंबर ऑफ मैच वाला केस इक्वली लाइकली थोड़ी है क्यों से हर बार जीरो पे तो आ जा रहा है वो नहीं तो दो मैच जो ड्यूस हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी और दो मैच में ए जीत रहा है बी जीत रहा है सब इक्वली लाइकली कहां है तो निकाल लिया ना कि कितनी है वो हां वही निकाली ना प्रोबेबिलिटी हां निकाली ना हां निकाली क्योंकि इसका क्वेश्चन का कांसेप्ट ही यही है कि एक बार ड्यूस हो गया तो मान लो ये जीरो से चालू हो रहा है फिर रिकरेशन ही है सर वो एक्चुअली आपने जो केसेस बनाए ना सर उसमें एक दो केस जो बनेंगे ना उनको कंबाइन कर दोगे तो आप पैटर्न फॉलो होने लगेगा दो में तो ये बने दो चार मैच में अगर इन्हीं दोनों केसेस को आप कंबाइन कर दोगे ना तो अच्छा पैटर्न फॉलो हो जाएगा नीचे भी ऐसे दो केस बनेंगे इनको कंबाइन कर दोगे तो आप रिकर्शन बन जाएगा पांच में दो ही केस बनेंगे पांच बनेगा ही नहीं सर छह बनेंगे ऐसे ऑड आएंगे छह बनेंगे एक के जीतने के लिए डब्बे मान लिए थे मैंने कि टू का फिर फोर का फिर सिक्स का और फिर हर एक को इक्वली लाइकली है ओके हां का सक्सेस हो जीतने है ना दो टोटल दो छह मिल जाएगा सर दो चार छह और ये चिपक जाएंगे सही कह रहे हो हां ये चिपक जाएंगे जीपी बन जाएगी लास्ट के दो हां ये अच्छी जीपी होगी हां हां लास्ट के दो हमेशा ए ए हैं और चार को अरेंज करना तो उससे हो जाएगा चलो और कौन सा था ये वाला एक बार समझा दो मुझे नहीं समझ आया मतलब ये कह रहे हैं कि ये चार का केस बनाए ऐसे छह के बनाएंगे हां लास्ट में तो दो ए आने हैं है ना अब इधर आने हैं जैसे लास्ट के दो अगर ए आए तो अगर ये ए बार से चालू हुआ ए बार ए और अगर ए से चालू हुआ ए बार ए ए बार ऐसे बनेंगे अच्छा समझ उसके दो दो ही केस आएंगे हां हां और सम करने पे जीपी बन जाएगी पर इससे 1/4 आया मेरा अब कर लेना जो भी है 1/4 आया मतलब एक्चुअल आंसर 1/2 था एक्चुअल आंसर 1/2 दोनों के लिए रूल तो बराबर ही है ना हां इसमें 1/2 वैसे थोड़ा ऑब्वियस सा लग रहा था आना भी चाहिए था क्योंकि चांसेस रूल एक सा है ना हां बिल्कुल नहीं 1/2 आना चाहिए था आंसर सर जो ये सर्व कर रहा है उसे तो थोड़ा ज्यादा मिल रहा है ये सर्व कर रहा है ना पहली बार में हां तो शुरू से वो हाई प्रोबेबिलिटी लेकर चल रहा है पर अपन इनफाइनाइट तक लेके जा रहे हैं ना तो पहले किसने किया वो इससे तफरक पड़ेगा नहीं पड़ेगा 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 कि उसकी प्रोबेबिलिटी जितनी ज्यादा स्टार्टिंग के केस का फर्क पड़ेगा जो स्टार्टिंग पड़ेगा आंसर 1/2 नहीं आएगा हां बिल्कुल सर 1/2 आएगा थोड़ा सा एक नहीं आना चाहिए 1/2 क्योंकि उसको फेवर तो मिलेगा ना जो पहले सर्व कर रहा है छोड़ दिया वही हो गया कि कार्ड निकाल रहे हैं और ए ड्रॉ कर रहा है फिर बी ड्रॉ कर रहा है फिर सी ड्रॉ कर रहा है तो सबके आंसर अलग अलग आएंगे ना लिखा था क्वेश्चन में कि ये पहले ऑर्डर पे अंतर आता है ना इनफाइनाइट उसमें कि कौन पहले चालू कर रहा है वो ठीक है लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि ए स्टार्ट दिया था ए सर्व फर्स्ट तो इसका मतलब ए के चांसेस हाई है हां सर तो 1/2 कैसे 1/2 से बड़ा आएगा ए का आंसर 1/2 सॉल्व करने पे तो आया था नहीं नहीं आना जीपी सॉल्व करने पे 1/2 हां ये प्रॉपर केस बनाना एक बार अच्छे से तो गिनना एकाध केस मिस हो गया होगा नहीं सर कोई मिस नहीं हुआ बिल्कुल सही है और बल्कि आप 8 का भी बनाओगे ना 8 में भी सिर्फ अरे भाड़ में गया वो सही है कॉमन सेंस तो कुछ गलत थोड़ी हो जाएगा यार जब प्रोबेबिलिटी उसकी तो 1/2 से बड़ी आएगी ना ज्यादा आ रही थी हां ये जीपी सॉल्व करने पे कितना आया 1/2 से जीपी पक्का सम निकालने पे हां सम निकालने पे 1/2 दो दिन पैटर्न लिख के देख लो अभी पता पड़ जाएगा निकाल के देखो ये मुझे डाउट है तुम्हारे इस पे 1/2 नहीं आना चाहिए तो नीचे वाले का भी केस देख लो उसमें 2/3 × 2/3 होता वो नहीं मतलब ये तो या तो कुछ गिना नहीं है कोई केस भूल गए होगे एक और पावर तो ये कह रहा है कि ज्यादा आएगी हां मैं ये कह रहा हूं कि केस कोई भूल गए कौन कांसेप्ट में कौन सा अब कौन सा तो वो सोचो ना यार कौन सा नहीं वो नहीं नहीं समझ में नहीं लग रहा ना क्योंकि पहले भी यही करा था यार तो कैसे 1/2 आ जाएगा मान लो नहीं लग रहा है मुझे नहीं लग रहा है मैथ्स कॉमन सेंस पे हावी थोड़ी हो जाएगी सब वैसा भी हो सकता है जैसे अपन प्राइस में सोचते हैं कि पहले आने तो ज्यादा चांसेस होंगे लेकिन इक्वल होते हैं प्राइस मनी एक अलग चीज है यार ये अलग चीज है ना जैसे ए बार केस ही नहीं बनेगा ना मतलब ए बार पहला जो इसका बनाएंगे और पहला इसका बनाएंगे तो इसके चांस ज्यादा आएंगे इसका कम आएगा ऐसे इसके जो चार बनेंगे इनका कम आएगा अलग आना चाहिए तो जब यही आया तो कैसे सम सेम आ जाएगा वो शायद से ऐसा हो सकता है कि जब पहली बार ड्यूस होता है ना उसके बाद बी को सर मिल जाती है तो होता ही है क्वेश्चन में लिखा है
पॉइंट बनाया उसको सर्विस मिलती है, एक क्वेश्चन चेंज कर दिया। मैं जाने क्या आप क्वेश्चन चेंज कर दिया मतलब अब क्या हो गया ये? तो मतलब से अगर एक किसी को पॉइंट मिल गया तो दूसरे को सर्विस नहीं मिलती ना, सर उसी को सेम इंसान को सर्विस मिलती है जिसने पॉइंट बनाया। लेकिन इसमें तो रूल ये कह रहे हैं ना कि अल्टरनेट सर्व कर रहे हैं, यही है रूल। पर ड्यूस के बाद जरूरी थोड़ी ना है कि ड्यूस के बाद सर्व चेंज, पॉइंट मिलने के बाद सर्व चेंज होगी ना। अरे यार ये वो तो हर बार चेंज होगी, नहीं तो ये क्वेश्चन कैसे डिफाइन करोगे यार? पता नहीं क्या यार क्वेश्चन ही बदल दे रहे हो तुम हर 5 मिनट में। नॉर्मली भी हर पॉइंट पे ही चेंज होती है। नहीं नॉर्मली तो हाँ वो तो रूल पे डिपेंड करता है कि 2 सर्व 3 सर्व ये करेगा, तो वो करेगा, ये भी हो सकता है। 1/4 आ रही है सर उससे। किससे? ये जो प्रोबेबिलिटी निकाली तो कॉमन सेंस से गलत है। अभी सामने बताएं किसकी 1/4 आ रही, ये जो केसेस बनाए थे उनका सम करने पे 1/4 तो और कम हो गई। ये का तो कम हो गया, बढ़ना चाहिए ना, ज्यादा आना चाहिए। इसी एक ही चीज का आंसर 1/2 भी आ गया उसी सीरीज का। 1/4 13/20 आ रही है। किसका आंसर? ए का। ए का तो उसी सीक्वेंस के आंसर बदल क्यों रहे हैं यार? कोई कह रहा है 1/4, कोई कह रहा है 1/2, मुझे नहीं, तो समझ में नहीं आ रही। मैंने तो ऐसे किया कि ऐसे समझ लो ना कि लास्ट में हमेशा ही ए ए आना है। हाँ। तो लास्ट की जो 2 है वो तो हमेशा ही फिक्स्ड है। हाँ। अब अगर मैं 4 का देखूं, 4 का अपन बात करें तो स्टार्टिंग में क्या आएगा? 1/3 1/3। हाँ ठीक है। और सेकंड वाले केस की बात करेंगे तो 2/3 2/3 2/3। हाँ तो इसमें आएगा 1/3। ए तो ए तो हमने कॉमन ले लिया। हाँ यहाँ बचा 1, यहाँ ए बार ए और ए ए बार, इनका आंसर वैसे एक बार ये जीता, ए बार का चांसेस मेरे ख्याल से आंसर सेम बनेगा। 2/3 का स्क्वायर्ड ये 1/3 × 1/3 है ना, 5/9 हाँ, प्लस 2/3 × 2/3 हाँ, और ऐसे ही अगले में होगा। और अब तो ये स्क्वायर कर दो इस चीज को, अगले में 5/9 का होल स्क्वायर हो गया। हाँ ऐसे ही कर लो ना, 2 GP मान लो, 2 GP कसम लिख लो सर, वो ये 2/3 पे 4 बनाना है। हाँ वही तो, 5/9 कैसे हो जाएगा? 5/9 का कुछ गड़बड़ नहीं हो रहा है वही तो। और इसको 2 GP का सम लो, ये GP बना ही नहीं है ना, ये बनी गई नहीं GP बनी। दूसरा 5/9 का स्क्वायर कैसे कह दिया, ये नहीं बना ना भाई, 5/9 का स्क्वायर करने का सम लिखना पड़ेगा। तो करो फिर ढंग से, फिर समझ गए? नहीं ये अल्टरनेट जीपी बन जाएगी, ये ऐसा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ये हो रहा है, या ऐसा हो जाएगा या वो रिकर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब रिकर्शन में कन्वर्ट होगा या अल्टरनेट जीपी बनेगी, मेरे हिसाब से रिकर्शन में कन्वर्ट होगा। चलो हमारा अगर जो डाइस है अगर उसमें कोई प्राइम नंबर आता है तो एक इवेंट होगा, और अगर उसमें 3 के मल्टीपल आते हैं तो दूसरा इवेंट होगा। तो सर अगर उसमें 3 आ गया तो प्राइम, हाँ तो दोनों इवन इंटरसेक्शन E2 आ गया ना, प्राइम आया तो इवेंट E1, ऑड आया तो नहीं, 3 आया तो इवेंट E2, 3 है ना कि ऑड, ऑड 3 का मल्टीपल 3 लैम्डा। हाँ तो 2 इवेंट है ना, तो प्राइम के सेट कितने हैं? 2 3 5, ये 3 6। तो अगर आउटकम 3 आ गया मतलब E1 इंटरसेक्शन E2 को बिलोंग कर रहा है। तो क्या कहना चाह रहा हूं, ये तो सेट है ना, गड़बड़ हो रही थी कि वो दोनों एक साथ नहीं हो सकते, ऐसा कुछ आ रहे थे, क्यों नहीं हो सकते? आगे क्वेश्चन बोलो क्या है। मैं आपको आगे भेज दूंगी सर। मतलब ये तो क्योंकि कुछ भी आउटपुट आ सकता है, अब पूछा होगा कि E1 E2 इंडिपेंडेंट है कि नहीं, तो E1 इंटरसेक्शन E2 कितना आएगा? 3। वो सर उसमें 2 बैग से बॉल ड्रॉ करनी थी, वो डाइस रोल कर लेते उसके लिए। हाँ कि तो पहले बैग में तो इनको सेट की तरह सोचो, समझ में आ जाएगा कि इंटरसेक्शन पॉसिबल है। डीसीटी निकालो, 1 डीसीटी कहां, किसकी प्रोबेबिलिटी की, प्रोबेबिलिटी की नहीं, वो कौन सा टॉपिक था? प्रोबेबिलिटी की तो डिस्कस हो चुकी ना पहले।
प्रोबेबिलिटी की भी करनी है पिछला वाला भी नहीं हुआ और इस बार का भी बचा है अभी मेरा निकालो यार क्या दिया था मैंने टेलीग्राम मिल रहा है फाइल्स में जाना ही पड़ेगा जल्दी पहुंच जाओ वेव ऑप्टिक्स सही कह रहे हो इसमें मैंने भी शेयर नहीं किया आंसर कोई बात नहीं चलो 25 का आगरा 26 कोहेरेंट में डायरेक्ट जुड़ जाएंगी तो अगर इनकोहेरेंट है मतलब नो सिंक्रोनाइजेशन रैंडमनेस है तो सीधे आई का फॉर्मूला होगा आई वन प्लस आई टू प्लस आई थ्री अप टू सो अगर कोहेरेंट है तो दो वेव्स का फॉर्मूला आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू कॉस फाइव तो इनकोहेरेंट पे एन आई डॉट कोहेरेंट पे एन स्क्वायर आई डॉट आ गया समझे एम्पलीट्यूड डायरेक्ट जोड़ेंगे एन इंटेंसिटी इसका स्क्वायर होगा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी चलो 27 चेन्नई 28 चेन्नई मिनिमा चाहिए आगरा दिल्ली 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 26 का आगरा वाला दिल्ली एन पाई कैसे हो जाएगा 26 का आगरा वाला 26 का आगरा वाला आर कोहेरेंट मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी इज जीरो मिनिमम इंटेंसिटी इज जीरो हो तो सकता है पॉसिबल तो है क्योंकि इनकोहेरेंट है और सभी ऐसे हो जाएं तो मिनिमम तो जीरो हो सकता है सही हो सकता है पॉसिबिलिटी पूछिए एसीडी तो एसीडी इसका चेन्नई 28 का दिल्ली 28 में दिल्ली में इसमें इनिशियल पाथ से क्या फर्क पड़ेगा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा तो फिर इसमें अरे ये जोड़ तो लिया इसमें L1 और L3 में जोड़ नहीं लिया मतलब ये जोड़ा तो है नहीं भाई पूछ रहा ना इनिशियल पाथ से क्या फर्क पड़ा जब वो स्लिट से टकराया तब फर्क पड़ा अरे तो स्लिट से टकराया यहीं पे पाथ डिफरेंस आ गया ना ये कांस्टेंट का अगर फर्क नहीं पड़ता फिर तो एंगल से भी फर्क नहीं पड़ता ये हां पड़ा था ना लेकिन एक एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस यहां से लेके आया सिमेट्री पे नहीं रखा है तो टोटल पाथ घटा दिए मजा आ गया 29 एंस प्रूफ दूसरे वाले का कुछ नहीं आ रहा था देखते हैं 4i0 6i0 और पाई ये तो बड़ा गंदा है नहीं चल अच्छा आ गया अच्छा आ रहा है 2 और रूट 3 बनेगा ना ये तो क्यों क्या इंटेंसिटी एंड फेज डिफरेंस ओके सिर्फ कंपेयर ही करना है ग्रेटेस्ट से लीस्ट है हां वही तो ये रूट 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर बनेगा ये बनेगा 0.73 का होल स्क्वायर आई नॉट नहीं रूट 3 माइनस 2 रूट 6 माइनस 0.16 रूट 6 क्यों आ जाएगा हाँ तो रूट 6 कितना होता है 2.5 के करीबन होगा ना हाँ. तो ये 0.4 2.5 आई नॉट बाय 4 के करीबन अप्रोक्स दूसरे का आंसर 3a 5a 2a 4i नॉट तीसरे का आंसर 9a 7a 3 पाई 4i नॉट 0 रेडियन 2a 2a 16 आई नॉट ये आंसर है तो इसका आंसर 16 इसका आंसर 4 इसका आंसर भी 4 और इसका आंसर लीस्ट और ग्रेटेस्ट किसका आया 4 69 दिल्ली वाले
पहले का पीपी यहां सर ठीक है बीओसी का मिनिमम भी तो हुआ ए का क्यू बी का मिनिमम ए का कितना था क्यू और बी का कितना है एस क्यू और एस क्यू भी तो होगा मिनिमम क्यों मिनिमम तो कोई एक ही होता है ना एक से ज्यादा कैसे आ जाएंगे मिनिमम तो एक ही होगा सी का आंसर आया पीआर पीआर और डी का आंसर आया नहीं डी का आंसर पीआर डी का आंसर पीआर है सी का एस डी का आंसर है एस हां अब डी का पीआर अब ये आंसर चलो हो गया अब आ जाओ 30 का आंसर सर्कल बॉम्बे यस 31 एक में सर्कल के हाइपरबोला नहीं अरे यार हाइपरबोला ऐसे बनेंगे क्या कटेगा क्या है अच्छा ठीक है ऐसा वाला थोड़ी है इसमें हाइपरबोला थे हाँ ऐसे कट रहे थे सर्कल बॉम्बे डिस्टेंस नियरेस्ट ब्राइट बेंड तो ये हमारा डी एन लैम्डा है एन माइनस वन लैम्डा चाहिए हमें लेकिन हम इसके लिए समझदारी दिखाएंगे क्योंकि क्वेश्चन में कहा है डी काफी बड़ा है तो हम ये थीटा ले लेंगे ये भी रफली थीटा यहां से आर्क मार देंगे तो पाथ डिफरेंस डी कॉस थीटा का हो जाएगा और एन लैम्डा कॉस थीटा डी ही एन लैम्डा है इज इक्वल टू एन माइनस वन लैम्डा तो कॉस थीटा एन माइनस वन बाय एन वन माइनस वन बाय एन कॉस थीटा को वन माइनस थीटा स्क्वायर बाय टू लिख सकते हैं तो थीटा की वैल्यू टू बाय एन का अंडर रूट है ना वाई इक्वल टू डी टेन थीटा लिख सकते हैं इसको डी थीटा लिख सकते हैं ये आया अब आंसर तो ऐसा एक भी दिख नहीं रहा है कॉस थीटा हमारा बिल्कुल सही लिखा मैंने वन माइनस वन बाय एन थीटा की वैल्यू रूट टू बाय एन ये भी सही लिखी है और वाई की वैल्यू एट डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द नियरेस्ट ब्राइट ये आएगा आंसर डी इंटू रूट टू बाय एन सर आप उसको वो जो थीटा आपने पैरेलल वाले लिए ना उससे लेंगे तो डी प्लस एन लैम्डा टाइप कुछ आ जाएगा तो वो तो अप्रोक्सीमेट करने पर सेम आ जाएगा क्योंकि एन काफी बड़ा है तो एन लैम्डा हमारा नेग्लेक्ट हो गया तो d का रूट टू बाय n डिनोमिनेटर में n आना चाहिए ये आंसर आगरा आगरा में देखो n लैम्डा को नेगलेक्ट करो d के मुकाबले हाँ वो दरअसल मैंने इसको d पढ़ लिया था इसलिए गड़बड़ हो मैंने इसको d पढ़ लिया क्वेश्चन क्योंकि d लैम्डा से तो बड़ा दिया है लेकिन d से बड़ा लिखा है ये कहीं नहीं है तो हालांकि वो माना तो मेरे आंसर मैच करने चाहिए आगरा अकेला मैच कर रहा है इससे तो पक्का आगरा आएगा प्रॉपर तरीके से करना पड़ेगा क्योंकि डी वेरी मच ग्रेटर देन डी नहीं दिया है तो हमें बाइनोमियल लगाना पड़ेगा है ना सर बस स्मॉल डी एन लैम्डा की इक्वल दिया तो है अरे ये नहीं लिखा है कि डी वेरी वेरी मच ग्रेटर देन लैम्डा है एन वेरी वेरी मच ग्रेटर देन वन है तो हमें पता ही नहीं चल रहा है ना कि डी और डी में कौन बड़ा है नहीं पता चल रहा है हमें ये पता है और ये पता है लैम्डा को डी बाय एन अच्छा हाँ ठीक है ये पता है हाँ इससे आप इन दो में कंपेयर थोड़ी कर लोगे हाँ तो कोई बात नहीं बाइनोमियल लगा देंगे और बाइनोमियल लगाते समय याद रखेंगे कि लैम्डा हम इग्नोर करने वाले हैं हमेशा तो बाइनोमियल लगा दो समझ गए तो डी प्लस डी का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट माइनस डी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू एन माइनस वन और वो एल और एम वाले तरीके से सॉल्व कर लंबा जाएगा गंदा जाएगा मतलब काफी इससे इतना अच्छा है मतलब बुरा आ रहा था इतना वो बुरा आएगा हाँ मुझे भी नहीं लग रहा इतना अच्छा आएगा क्योंकि ये होना यही चाहिए था तभी नहीं तो क्वेश्चन बहुत गंदा बन जाएगा तो बन अच्छा। और ये भी नहीं बन रहा था अगले का भी नहीं बन रहा ये तो बिल्कुल बॉम्बे टाइप का कुछ लग रहा था क्वेश्चन गड़बड़ है क्वेश्चन को मैं ठीक कर देता हूँ क्वेश्चन ये होना चाहिए और आंसर इसके हिसाब से दे देता हूँ तो
तो आंसर अपना बना था वन कॉस थीटा इज इक्वल टू डी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, तो एन लैम्डा कॉस थीटा इक्वल टू एम लैम्डा कॉस थीटा इक्वल टू एम बाय एन, ये आया ये बना। तो पहले का आंसर हो जाएगा पहले वाले पार्ट में कॉस थीटा की वैल्यू एन माइनस वन बाय एन, तो ये बना वन माइनस वन बाय एन, तो इसी को वन माइनस थीटा स्क्वायर बाय टू लिखा, वन माइनस वन बाय एन थीटा की वैल्यू रूट टू बाय एन, और डी टेन थीटा, तो आंसर आ गया y इक्वल टू रूट डी टेन थीटा, ये आंसर। थर्ड का पूछा है ब्राइट रिंग का है, तो हम इसको कितना है ब्राइट रिंग आइथ, तो m की जगह आई है, m की जगह आई है, तो वन माइनस आई बाय एन, तो टू आई बाय एन, तो y की वैल्यू d टाइम्स टू आई बाय एन, ये आंसर आ गया। तो सब कुछ गलत सलत दे रखा है। तो ये आंसर आएंगे, ठीक है। चलो वो तो वो भूल जाओ उन सबको आंसर को जो उसमें दिए। 33 चले हो गया, 34 थर्टी फोर का आंसर आगरा, आगरा पांच लैम्डा, 35 आगरा, 36 दिल्ली, 37 चार और तीन का एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्ट है आगरा, आगरा पांच ऊपर पेंडिकुलर 38 दिल्ली, दिल्ली बिल्कुल सही, 39 और चेन्नई, चेन्नई ओनली, बिल्कुल सिंपल चेन्नई, पहला है 7 लैम्डा बाय 2 3.5 लैम्डा, तो लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 7 6 मैक्सिमम आएंगे, ओ विल बी मिनिमा, ओ विल बी मिनिमा, पहला स्टेटमेंट ट्रू है। दूसरा स्टेटमेंट 7.4.3 लैम्डा, तो 8 मैक्सिमा ऊपर आएंगे 8 मैक्सिमा नीचे आएंगे, और यहां 3.5 से आधा, 4 और 4 8 बॉम्बे भी सही है, 7 लैम्डा चेन्नई भी सही है, d इक्वल टू लैम्डा दिल्ली भी सही है, चेन्नई आएगा, चेन्नई ओके, चारों ये वाला। सर 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 ये 38 वाले की एक बार लैंग्वेज समझा देंगे, क्वेश्चन क्या है? ऐसा था एक की इंटेंसिटी 100 थी, इस एक की भी 100 थी, कंस्ट्रक्टिव था तो आंसर आ रहा था 400, अब इसकी 100 है, 100 नहीं होनी चाहिए ना, प्रोड्यूस इंटेंसिटी, अरे परसेंटेज परसेंटेज मान लो, क्या फर्क, 25-25 कर लो, 25-25 कर लो, इसकी 25 है यार, क्या फर्क पड़ रहा है, लास्ट में हम ठीक कर लेंगे इसको, ये 100 है ठीक है, तो मैं उसको तो सीधे I नॉट के टर्म में लिख रहा था, I नॉट है, आंसर 4 I नॉट था, अब इसका I नॉट है और इसका 36, तो 0.64 I नॉट, तो ये 0.8 है, हाँ, तो 1.8 का होल स्क्वायर 3.24, हाँ, अब इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 25 दे रखी है, तो उसकी निकाल ले, 3.24 आई नॉट की वैल्यू चाहिए, हाँ, आगे समझ में, हाँ, तो ये इसका क्या मतलब था, by reducing its width, अरे तो वो बताया है कि कैसे कम कर दी, स्लिट अलग अलग साइज की कर दी ना, अच्छा वो वाली स्लिट बड़ी थी, एक स्लिट छोटी कर दी, मैं फ्रिंज विड्थ समझ रहा था, एरिया के प्रोपोर्शनल करंट इंटेंसिटी होगी, हाँ, लाइट कम पास होगी, हाँ, तो ये था क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन नंबर 40 दिल्ली, दिल्ली कर लो, 41 आगरा, आगरा आगरा ए बाय टू, इसी इसका फिगर है, नहीं ऊपर नहीं, ये ऊपर वाले का है, ये ऊपर वाले का, ठीक है, d की वैल्यू 3a हो गई, मतलब 15 लैम्डा हो गई, सर्कल पे मूव कर रहे हैं तो 60 आ जाएगा आंसर सही। 42 का आंसर दिल्ली, दिल्ली कर लो दिल्ली, 43 का आंसर ऑल आगरा, आगरा बॉम्बे,
चेन्नई दिल्ली चेन्नई कैसे बोला कांस्टेंट होता है ना शीट का तो सिलेंडर नहीं चेन्नई वाला चेन्नई वाला कांस्टेंट ही है वो आर कुछ नहीं हां वही तो ये वेव फ्रंट क्या है ओके वो कांस्टेंट इनटू आर लिखा है क्या हां वही तभी वही चेन कांस्टेंट इनटू आर लिखा है वो तो नहीं मत लगाओ कांस्टेंट होगा ना उसका हां वेव फ्रंट बस तुम ये मान लो कि जो ये बाहर निकल रहा है ये वो वेव फ्रंट 44 मतलब वेव फ्रंट क्या है जो हम रे डायग्राम बनाते हैं ना रे डायग्राम के परपेंडिकुलर जो लोकस बनेगा ये इसे हम वेव फ्रंट कहते हैं ये वेव फ्रंट है लोकस किस चीज का लोकस ऑफ पॉइंट्स वाइब्रेटिंग इन फेज वेव फ्रंट की डेफिनेशन है लोकस ऑफ पॉइंट्स इन फेज ये होता है तो सोचो एक पॉइंट ये है तो यहां से अगर लाइट बाहर निकल रही है चारों तरफ तो सेम फेज वाले पॉइंट का लोकस क्या होगा बताओ स्फीयर 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 हां तो इसके वेव फ्रंट ये है स्फेरिकल हां अगर लाइन होती लाइन सोर्स होती तो लाइट ऐसे निकलती अब वेव फ्रंट क्या आएगी सिलेंडर तो काइंड ऑफ गॉसियन सरफेस हो गई हां तो लेंस पे अगर रे ऐसे गिर रही है तो वेव फ्रंट इसकी कैसी बनेगी ये फील आया नहीं ये हाँ लोकस इसके परपेंडिकुलर है रेज के रेज के हमेशा वेव फ्रंट परपेंडिकुलर होंगे अच्छा वो नॉर्मल डायग्राम बनाओ ये बन हाँ ऐसे ही जैसे ये सरफेस थी कोई लाइट ऐसे आई और ऐसे रिफ्लेक्ट कर गई रिफ्रैक्ट कर गई हाँ अब वेव फ्रंट कैसी बनेगी इसकी परपेंडिकुलर इसके परपेंडिकुलर इधर ये परपेंडिकुलर आ गया समझ में हाँ, तो अगर आपको वेव फ्रंट का शेप बनाना है तो तरीका क्या है रे डायग्राम बनाओ उसके परपेंडिकुलर लोकस बनाओ ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है वेव फ्रंट के शेप वाला क्वेश्चन मतलब इस टॉपिक में एक ही चीज पूछी जाती है वेव फ्रंट का शेप तो शेप कैसे हम रे डायग्राम से निकालेंगे और हम वेव फ्रंट बना लेंगे तो जैसे मान लो इसके लिए पूछा होता कि इसके लिए वेव फ्रंट ऐसी आ रही है तो आउटपुट वेव फ्रंट कैसी होगी तो हम सोचेंगे मतलब रे डायग्राम ऐसा है तो रे डायग्राम बनेगा ऐसा तो आउटपुट वेव फ्रंट बनेगी फील आया हाँ हाँ बिल्कुल वो ऐसा है ना कि सर इंटरसेक्शन जहाँ पे हो रहा है तो उसके सेंटर को लेके अपन ने सर्कल्स बना दिए बिल्कुल ऐसे ही प्रिज्म में पूछा होता कि मान लो वेव फ्रंट ऐसी आ रही है तो आउटपुट वेव फ्रंट कैसी होगी हम देखेंगे रेज मतलब ऐसी आ रही है मतलब ऐसे टकरा के इधर आएंगी तो बीच में वेव फ्रंट ऐसी हुई होंगी अब वेव फ्रंट ऐसी अच्छा इसी के क्वेश्चन लेके हुए थे क्लास में आखिरकार समझ गए हाँ सर कि वेव फ्रंट क्या चीज है है ना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लेकिन अभी फिलहाल अगर क्वेश्चन कभी वेव फ्रंट का आता है वेव फ्रंट के शेप पूछे जाते हैं तो वेव फ्रंट का शेप रे डायग्राम बनाओ उसके परपेंडिकुलर कर दो रियलिटी है कि उल्टा होता है वेव फ्रंट से रे डायग्राम बनता है लेकिन हम रे डायग्राम सीख चुके हैं है ना क्योंकि असली में रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स का स्पेशल केस है जब ऑब्स्टेकल की साइज लैम्डा के मुकाबले काफी बड़ी है ये फील आया रे ऑप्टिक्स सिर्फ इसलिए ट्रू है क्योंकि लैम्डा स्मॉल था अदरवाइज रे ऑप्टिक्स का कोई मीनिंग ही नहीं था टॉपिक ही फर्जी हो जाता वेव नेचर ही होता कोई दिक्कत तो नहीं 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 सर तो ये बना लोगे ऐसे क्वेश्चन तो मैं इसी शीट में दिखाता हूँ ऊपर आते हैं जैसे ये देखो कहा है कि ऐसी वेव फ्रंट पहली थी अब वेव फ्रंट ऐसी है तो पूछा है कि क्या रखा होगा तो हम क्या करेंगे रे डायग्राम ऐसा था अब रे डायग्राम ऐसा है आ गया समझ तो क्या रखा होगा डाइवर्जिंग लाइन मिरर तो हो नहीं सकता क्योंकि मिरर के लिए वेव फ्रंट लौटनी चाहिए वापस लौटनी चाहिए थी तो लेंस ही होगा तभी तो क्रॉस करके निकल गए जी सर लेंस प्रूफ अगला क्वेश्चन एडवांस का क्वेश्चन देख लो ये एडवांस में आया था ये कि पहले वेव फ्रंट ऐसी थी अब वेव फ्रंट ऐसी है तो पहले रे डायग्राम कैसा था ऐसा अब रे डायग्राम ऐसा है
आ गया समझ में? हाँ ये ऊपर भी क्वेश्चन दिख रहा है, पहले वेव फ्रंट ऐसी थी अब वेव फ्रंट ऐसी है, तो इसने स्लो लगा दो। बहुत क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, ये देखो फिर से वेव फ्रंट का, ये वेव फ्रंट है, ये रेड आई ग्रुप, ठीक खत्म हो गए, तो यही तो थे सब टाइम पास क्वेश्चन। चलो ओपन आ गए क्वेश्चन नंबर 44 पे। बॉम्बे मोनोक्रोमेटिक लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स, हाइपरबोला। 45 आगरा। 4 लैम्डा है, 0 है फेस आगरा, 0 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस। 4 लैम्डा कहां 0 से इनफिनिटी जा रहा है, तो इनफिनिटी पे पाथ डिफरेंस 4 लैम्डा 0, तो लैम्डा ओपन ब्रैकेट है, तो आगरा 3। चल 46 तो 2a और a है, इंटेंसिटी का रेशो 1:4, तो एम्पलीट्यूड 2a और a, तो आई मैक्स 9i, आई मिन आई, आई मैक्स 9i, आई मिन आई 0.8। ये विजिबिलिटी ऐसे कैसे डिफाइन करते हैं? कर दिया ऐसे, बस समझाया तो है, क्या है तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? फ्रिंज की विजिबिलिटी सोचो, आई मैक्स और आई मिन अगर बराबर हो जाते तो विजिबल नहीं रहती ना फ्रिंज, डार्क और ब्राइट बराबर हो जाते तो। हाँ नहीं रहती, हाँ सही बात। हम चाहेंगे मिनिमम जितना कम हो मैक्सिमम जितना ज्यादा हो, तो फ्रैक्शनल वैल्यू मैक्सिमम की ज्यादा होनी चाहिए मिनिमम के मुकाबले। चक्कर मत पड़ो, कैसा है वो फ्रैक्शन के टर्म में ना, इसलिए थोड़ा अजीब लग रहा था बस। अरे तो किसी भी चीज को फ्रैक्शन के टर्म में ही तो डिफाइन करोगे। अब हमने कहा कि आई मैक्स की वैल्यू आई मिन से 2 मिलीवॉट ज्यादा है, तो अगर हम डिफरेंस डिफाइन करते, अब सोचो ये होता 1000 मिलीवॉट, ये होता 1002, क्या मैक्सिमम मिनिमम में डिफरेंस समझ में आता? नहीं। अच्छा ये बेहतर तरीका है ना। हाँ हाँ सही बात है। 47 चेन्नई मैक्सिमम नंबर ऑफ मिनिमा पूछा है। 48 चले बी कॉस थीटा बस हो गया। 48 तो तुम्हें करना है, एक मेरी नन्ही सी डीसीटी कौन सर? हाँ। सर एक दिन की छुट्टी दे दीजिए, बहुत काम पेंडिंग हो गया सर। रुक जा दोस्त, बच्चे रुको, अभी डीसीटी देखने दो, मिलेगी भरोसा रखो, भगवान की गति रहे। कल का काम पेंडिंग हो गया, पूरा मैच का काम बढ़ा है अभी, मेंस के बाद मिल जाएगी। चलो चलो। अरे अरे ये ओ भाई मेंस नहीं है ना, डीसीटी 2 ये विथ इलस्ट्रेशन एक्सरसाइज, ये आपको कंप्लीट करनी है, कल डिस्कशन होगा और शायद ही कल मेरी क्लास हो, ठीक है? कल मेरी क्या किसी की भी क्लास हो, शायद नहीं होगी। ओके सर, बस यही था। थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं केवीपीवाई के बाद जो थोड़ा सा बचा है ना, जो थोड़ा बचा है बीच-बीच में लेते रहेंगे। हां सर, वो क्योंकि आज की क्लास भी टफ थी तो और रिवाइज करना पड़ेगा आज। मैंने पूरा तो रिवाइज करवा दिया। रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देखनी है सर, वो छूट गई थी मेरी बीच में। याद कर लो उसको। चलो नोट्स अच्छे से बना लेना इस टॉपिक के। मैं इसलिए छुट्टी दे रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आज की क्लास में एक बार अच्छे से देखनी पड़ेगी तुम लोगों को। हाँ सर। इसलिए मैंने पूरा रिपीट किया क्लास का। हाँ, इस टाइम ज़्यादा लग गया था। चलो आप देख लो। सर प्रोबेबिलिटी का एक डाउट पूछना है। प्रोबेबिलिटी की क्लास में शाम को करवा दूंगा, जो तुम्हारी क्या डीसीटी डिस्कशन या तो मैं ले लूंगा या पति। तो डिस्कशन एक ही डाउट है, एक डाउट बता दो बस, यही कॉर्नर का पूछना है। सैंपल स्पेस वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू ऑकर। मुझे मैं ये कह रहा हूँ, मुझे भेज दो तो कितना अच्छा रहेगा। मैं भेज रहा हूँ। आपके पास बुकलेट है ना, वो खोल लीजिए ना।
कौन सी बुकलेट है मेरे पास? आपने अभी वो खोला ना टेलीग्राम, तो उसमें बुकलेट दिख रही थी प्रोबेबिलिटी की भी है। वो थोड़ी है, वही है ना भाई है। मैंने भेज सर, आप टेलीग्राम चेक कर लीजिए। क्वेश्चन मिल गया। अरे यार क्या है ये, कहाँ गया? मिल गया। मुझे क्यों नहीं मिला? इधर इस पे पर्सनल पे भेजा है। पर्सनल पे भेजा है। ओके ठीक ठीक। सबसे लास्ट वाला ये अच्छा था, जो क्वेश्चन हो बड़ी मेहनत से हुआ था। वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली ए एंड बी आर टू इंडिपेंडेंट। क्या लिखा है? खुल जा सुन सुन। यही है ना? ठीक है। बी ए सैंपल वेयर ईच एलिमेंट इज इक्वली लाइकली टू अकर। अच्छी बात। ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट एसोसिएटेड विद एस। द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स ए बी सच दैट। ओके नाउ हाँ देखो, इवेंट मतलब होते हैं सिंपली सबसेट्स। इवेंट मतलब कुछ और नहीं, सबसेट ही होता है। तो इसके ए और बी सबसेट है। हाँ ठीक है। ठीक है, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए एंड बी, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स एसो, देन द नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। एक मिनट, ये दिया है ना? हाँ। तो ये क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बी, सेट बी। ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, ये लिखा है। तो क्वेश्चन सिंपली क्या हो गया कि इसमें से ए और बी सेट घट बनाए, तो एन बी इज लेस देन मोर देन वन लेस देन एन ए। और एन बी और ए का कोई भी इंटरसेक्शन जीरो होगा। हाँ, तो इसके अगर कहाँ लिखा, ये कहाँ लिखा इंटरसेक्शन जीरो? इंडिपेंडेंट दिया है ना, जीरो थोड़ी है। अरे इंडिपेंडेंट मतलब वो इंडिपेंडेंट वो नहीं है शायद, मुझे नहीं लगता वो है। इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंटली चूज किए, वो बी बाय पी और बी हो जाएगा। नहीं वो मुझे नहीं लगता वो है, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है कि वो चीज है इस इंडिपेंडेंट का मतलब। अभी देखते हैं, मुझे जो फील, मुझे तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब ए हमने चुना तो बी हमने अपनी मर्जी से कुछ भी चुन लिया, कंसर्न नहीं है कुछ, हमें ए से बॉदर नहीं करना। तो अगर इसके आर एलिमेंट हैं तो इसके आर से ज्यादा हैं, आर प्लस वन से एन है, तो अगर एन सी आर ये है, ये या तो हम ये पूरा समेशन सॉल्व करते या हमारे पास बेहतर तरीका था इसको करने का। तीन ही केस होंगे, या तो एलिमेंट बराबर होंगे या बी के एलिमेंट ज्यादा होंगे या ए के एलिमेंट ज्यादा होंगे। तो टोटल में से बराबर वाला हटा दो, आधा कर दो, इसका आंसर आ गया। अच्छा हाँ सही है, समझ गया ना? हाँ, आधा में वो सिग्मा थोड़ी सॉल्व हो गया ऐसे, वो बड़ा गंदा बना था। क्लियर? हाँ सर। आप रेगुलर डिस्कशन रखोगे क्या इसका? किसका? प्रोबेबिलिटी का, जो आप कह रहे थे शाम को रख देंगे। शाम को रख देंगे। हाँ, कोई कोई और बच्चों को भी तो डाउट होंगे। ग्रेटर देन वन वाला भी तो हटाना पड़ेगा। कल शाम को ना? क्या कल शाम को ना? अब एक मिनट, अभी ये क्वेश्चन मैंने जो माना है मतलब ये है क्वेश्चन, मैंने ये माना है और मुझे लग रहा है यही है क्वेश्चन, नहीं होना चाहिए कुछ। सर ये जो आपने निकाला है उसमें ग्रेटर देन वन वाला भी? ग्रेटर देन और हाँ, ग्रेटर देन वन वाला वो तो हम अलग से गिन लेंगे, कौन सी बड़ी बात है। जीरो वाले केस तो हटाने हैं। हाँ, वो तो इजी होगा हटाना। ठीक है, तो ये तरीका है, इससे आंसर बढ़िया आ जाएगा, मस्त। मुझे पता नहीं, ये लग रहा है इनने इंडिपेंडेंट का मतलब वही बोला है, इंटरसेक्शन। मुझे नहीं लग रहा है, ऐसे क्वेश्चन बहुत अजीब नहीं हो जाएगा? मतलब फिर ही तो क्वेश्चन आएगा, फिर तो इसमें है ही क्या, इसमें क्यों क्या नहीं, बराबर वाले घटाने है नहीं कुछ। नहीं तो डीसीटी में भी आए हैं, इसलिए मेरे को लग रहा था कि इंडिपेंडेंट वाला होगा। मैंने वैसे ही सॉल्व किया था। कैसे सॉल्व किया था? इंडिपेंडेंट मान के। आंसर किससे आ रहा है? मेरे को याद नहीं, बहुत पहले किया था। किसने किया ना, आंसर किससे आ रहा है बताओ? बहुत पहले किया था वही के जो चले। अरे यार ऐसे कैसे करोगे, तो बन गया था 5-5 पता नहीं। हालांकि कम है तो हम गिन भी सकते हैं, उतने ज्यादा तो है नहीं, तो हम गिन भी सकते थे। लेकिन अगर देखो, ये तरीका कब है, जब मैं इंडिपेंडेंट को वो ट्रीट करूं,
तो क्या किया, टोटल माइनस इक्वल बाय टू और जीरो अलग से केस। हो सकता है क्वेश्चन वाकई में इंडिपेंडेंट इवेंट हो, तो फिर हमें ये चेक करना पड़ेगा, ये इसके केस बनेंगे और ए इंटरसेक्शन बी के केस बनेंगे ऐसे, इसके केस बहुत ही नहीं हो जाएंगे फिर, पांच छह केस बनेंगे, नहीं से आठ नौ बन रहे थे, हाँ मतलब जो भी कम से कम पांच छह केस बनेंगे फिर बहुत गंदा हो जाएगा, मतलब ये क्या गिनने वाला क्वेश्चन हो गया। हो सकता है क्वेश्चन ये हो, तो क्योंकि छह दिए हैं तो केस फिर भी गिन सकते हैं, लेकिन गिनने में भी छह केस में टाइम लगेगा। तो जैसे हम इसके एलिमेंट मान लें एक्स हैं, इसके एलिमेंट वाई मान लें, इसके एलिमेंट जेड मान लें, और एक्स और वाई मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, जेड। तो अब हम केस देख लेंगे, क्योंकि एक्स बाय सिक्स इंटू वाई बाय सिक्स इज इक्वल टू जेड बाय सिक्स, तो एक्स वाई की वैल्यू सिक्स जेड होनी चाहिए। तो इसके एलिमेंट तीन लिए, इसके एलिमेंट दो लिए, इसका एलिमेंट एक, तीसरा ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगा। ये देखो तीन दो एक सेटिस्फाई कर रहा है, चार तीन दो सेटिस्फाई कर रहा है, छह एक एक सेटिस्फाई कर रहा है, छह दो दो कर रहा है, छह तीन तीन, छह पांच पांच, छह चार चार, ये कर रहा है। छह के साथ तो सभी आ जाएंगे ना केस, ये बन गया देखो, ये आंसर आ गया। इनको जोड़ दो, 6C3, 6C2, ऐसे करके 6C4, लेकिन हाँ इंटरसेक्शन हमें वन चाहिए, मत भूल जाना। ऐसा कुछ याद आया, शायद ऐसे कुछ किया था। हाँ, तो आंसर ऐसा बनेगा, जैसे मान लो ए बी ये लिया, इसके केस लिए तीन दो, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वन, तो इसका आंसर आएगा 6C3, इसका आंसर आएगा 3C1, इसका आंसर आएगा 3C1, ये समझ में आया। एक कॉमन लेना था, अब हमने लिया 4, 3, 2, तो 6C4 इंटू तीन एलिमेंट उठाने हैं हमें, जिनमें दो कॉमन है तो 4C2 और बचे हुए 2C1। अब सोच लो ये केस बनेंगे, अब वो छह वाले बन जाएंगे, बाकी चार केस और बन रहे हैं। सर जो आपने ऊपर 3C1 की जगह 2C1 आएगा ना क्या लास्ट में, एक मिनट, ये आंसर क्या, अब बोलो, तीन में से एक कॉमन वाला चुना, एक अनकॉमन वाला चुना, सही तो है। टू में से चुनेंगे ना एक अनकॉमन वाला। अरे दो में से ए बनाया हमने, इसके तीन में से एक कॉमन वाला चुन लो, बचे हुए तीन में से अनकॉमन वाला चुन लो, बचे, चलो जो भी है ठीक है। ए बी और ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू वन चाहिए, कॉमन एलिमेंट हमें चाहिए कितने, एक, तो तीन इसके एलिमेंट चुन लिए हमने, इन तीन में से एक कॉमन चुना और रिमेनिंग तीन में से कॉमन चुना एक, तो अब इसके दो एलिमेंट हो गए, इसके एक हो गए, ये ए बन गया, ये बी बन गया, इंटरसेक्शन वन आ गया। क्या है रे, ये नहीं समझ पा रहे, क्या कर रहे हो? नहीं नहीं सर समझ गया, तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, तुम्हें समझ आ जाएगा क्या करना है। तो ये क्वेश्चन भी हो सकता है इंडिपेंडेंट, क्योंकि केस ज्यादा नहीं बन रहे तो ये केस हो सकता था, ये केस है सभी, इनको छोड़ दो, शायद यही कर दो, ये तो 3-400 बन जाएगा, 3-400 के आसपास आंसर आएगा, 422। हाँ तो लो यही होगा फिर, वो भी बड़ा ही बनता, लेकिन जो हम कर रहे थे वो भी बड़ा ही बन रहा था। आ गया समझ में, ऐसे शुरुआत करनी है, ए बी और इंटरसेक्शन बी लेके। सर एक दो चीजें पूछनी थी, अभी पूछ लो। क्या सर, एक पूछना तो, हाँ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, उससे एनर्जी पे कैसे कमेंट करेंगे अपन, कैसे एनर्जी में एरर, एनर्जी अपन से जैसे क्वेश्चन था, एक सेकंड, डेल्टा लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा लैम्डा को सी कांस्टेंट है, इसको डेल्टा एफ इनटू डेल्टा एक्स मान लो, डेल्टा पी होगा ना वो तो। हाँ तो वेवलेंथ में किसकी वे एनर्जी निकाल रहे हो तुम, उसमें क्वेश्चन ये था एक्चुअली कि अपन को पार्टिकल्स की एनर्जी का लोएस्ट, अपन को एनर्जी में ऑर्डर में अरेंज करना था पार्टिकल्स, ये थे एन इलेक्ट्रॉन, एन इलेक्ट्रॉनिक H2 मॉलिक्यूल, हाँ और दूसरा था एक H एटम था इन H2 मॉलिक्यूल,
और एक कार्बन एच एटम काहे की क्वेश्चन है ये काहे में आया केप है का पूछते हैं हां एक प्रोटॉन था कार्बन न्यूक्लियस का इससे अच्छा तुम भेज दो तो ज्यादा अच्छा नहीं रहेगा तुम कब तक एक्सप्लेन कर रहे हो एक दो एक आध और तुम्हारा पर्सनल डाउट है ना तो भेजो तो सर मेरे को व्यवस्था नहीं अभी एक से एक और था बस एन इलेक्ट्रॉनिक एच2 मॉलिक्यूल सर मैं भेज डाउट है तो भेज दो ना यार इतने ये थ्योरी वाले क्वेश्चन तो भेज देना चाहिए ना फोन नहीं है मेरे पास कोई और भेज देगा बच्चों के पास है ना चार साल लगे आज जो बोलो बोलो सर आज जो डिफ्रेक्शन में डिफ्रेक्शन वाले में सर जो 3 लैम्डा बाय 2 वाला अपन ने a बाय 3 कर दिया था ना उसे हां ऐसे कर दिया था कि ये 3 लैम्डा बाय 2 ऐसे ऐसे पूरे कंप्लीट हो गए और एक और इधर कंप्लीट हो गया हाँ, मतलब यहां तक पहुंच गया सर तो i बाय 3 नहीं होना चाहिए a बाय 3 की जगह a से a बाय 3 बना और उसका भी 2 बाय पाई ये बताओ कितने ये मानते हो कि 1/3 बचे 1/3 रेस जाएंगी हां लेकिन 1/3 का भी एवरेज 2 बाय पाई बनेगा हाँ वो तो आ गया सर समझ में तो एवरेज ये बनेगा हाँ सर तो ये अपन ने एम्पलीट्यूड में 1/3 किया ना तो ये इंटेंसिटी में 1/3 नहीं होना चाहिए था ये बोल रहा हूँ 2/3 पाई का होल स्क्वायर होगा इंटेंसिटी में तो सर तो एम्पलीट्यूड अपना 1/3 टाइम्स हुआ इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड 2/3 पाई टाइम्स हुआ हाँ मतलब वही हाँ, 2 बाय पाई एक अलग से ले रहा हूं इंटेंसिटी है यही तो i नॉट बाय 22 हाँ, बनेगा हाँ वो हाँ सर वो क्योंकि मेरे को लग रहा था कि सर नंबर ऑफ लाइट रेस 1/3 हो जाएंगी लेकिन वो पैरेलल नहीं है ना 1/3 तो हो गई लेकिन वो हाँ, भी अलग उनका, डायरेक्शन उनका एवरेज ले लेंगे अपन सर तो इंटेंसिटी इंटेंसिटी का 1/3 नहीं होना चाहिए था एम्पलीट्यूड की जगह वो यार दिमाग नहीं लगाओ n लाइट थी हां तो अगर डायरेक्ट जुड़ते तो एन एन ए नॉट होता हाँ। कब जब फेज जीरो होता तो एन ए नॉट और इंटेंसिटी होती है स्क्वायर हाँ वो साथ में लिख गया ना अपने अच्छा आ गया अब है एन नहीं अब तो पूरा बताऊंगा ये अब एम्पलीट्यूड ये आंसर ये बनेगा हाँ कंपोनेंट एरिया उसका समझ गए हाँ ओके सर और एन स्क्वायर आई को हमने ओरिजिनल मान लिया आई नॉट ओके सर ये था भेज दिया सर पर्सनल रिप्लाई करूंगा और कोई कुछ कह रहा है सर आज शाम को होगी ना फिर पतिक सर की क्लास हाँ पतिक सर की होगी केमिस्ट्री शाम को केमिस्ट्री भी है कल शाम को होगी कल शाम को रहेगी कोई आज केमिस्ट्री क्लास होगी तो कल केमिस्ट्री का वैसे ही ऑफ रहेगा सर अभी वैसे भी प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 है अभी तक या 8 बजे के आसपास करवा देना पतिक केमिस्ट्री का बहुत वक्त है तो पतिक कम्युनिकेट कर लेगा चलो तुम लोगों से है ना छोटा सा दादा अभी देख लेना सर अरे तो तुम इतने सारे बच्चों को कंफ्यूज कर देते हो यार ऐसे करके रिकॉर्डिंग बंद कर लो ना सर जब तुम्हारे पास ऑप्शन है पर्सनली पूछने का वो सर उसमें मैसेज पढ़ के समझ में नहीं आता है तो कैसे समझ में नहीं आता मैं कर बताऊंगा नहीं तुम्हारा नाम समझ में आ गया देवान अब देख लो अब नहीं हो रहा तुम्हारा रिप्लाई अरेंज द फॉलोइंग पार्टिकल इन द इंक्रीजिंग तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल देखो दिखाता हूँ लैंग्वेज एनर्जी के टर्म में भी होता है तुम लोगों ने नहीं पढ़ा केमिस्ट्री अनसर्टेनिटी एनर्जी से नहीं पढ़ा ना तो क्यों हमने फार्मूला पढ़ा था उसका कि वो होता है डेल्टा एक्स इनटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू स्क्रीन शेयर कर दे तो मुझे शेयर स्क्रीन शेयर्ड हां सर शेयर हां हां विकिपीडिया पे दोनों फॉर्म होंगे एनर्जी के साथ भी फार्मूला होता है बहुत मतलब अलग-अलग बहुत सारे फार्मूले हैं अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के अरे यार इसमें तो पूरे प्रूफ पे आ गई ओरिजिनल प्रिंसिपल काम मर गया अरे 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 फिर तो हमें सिंपल ढूंढना पड़ेगा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिंपल वाला ये देखो ये मिल गया एनर्जी ऑफ क्वांटम स्टेट एंड इट्स लाइफ टाइम देखो डेल्टा ई डेल्टा टी ऐसे बहुत फॉर्मूलेज हैं तो फिर अपन को लाइफ टाइम पता होनी चाहिए सब एटम्स की हाँ लाइफ टाइम का अंदाज लगभग पता होना चाहिए देखो ये देखो
ये देखो ये क्वेश्चन से समझ आ जाएगा. 10 पे माइनस 8 सेकंड का इसका अनसर्टेनिटी है एक्साइटेड स्टेट की, ये तो पता है. ये डेल्टा है फ्रीक्वेंसी में एरर चाहिए और फ्रीक्वेंसी इतनी थी, तो देखो यही फॉर्मूला लगाया और एरर ये आई, और ये काफी कम एरर है किसके मुकाबले जो असली एरर है. इसीलिए तो देखो पॉइंट, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट कि फ्रैक्शनल चेंज इतना कम आया ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के मुकाबले, इसीलिए हम इनको मोनोक्रोमेटिक मान लेते हैं. तो ये है डेल्टा ई इनटू डेल्टा टी का. ऐसे बहुत फॉर्मूलेज हैं, अकेले दो ही नहीं है. देखो डेल्टा एक्स डेल्टा पी का 3-4 फॉर्मूले देखे थे मैंने बचपन में, पढ़ा था तब मुझे याद है कि ऐसे बहुत सारी चीजें थी. ये तो ये वाला पढ़ा होगा तुम लोगों ने शायद, है ना? हाँ यही पढ़ा था. हाँ यही पढ़ा है बस. वाला पढ़ा होगा. फोर पाई था क्या? फोर पाई भी तो था. एच बार टू की जगह पे फोर पाई. अरे एच बार को एच अपॉन टू पाई रेट कर दो. एच बार रिड्यूस प्लैंक्स कांस्टेंट. प्लैंक कांस्टेंट ये होता ना. चलो तो अब आ जाएं ओरिजिनल क्वेश्चन पे. समझ गए ना? और एक आध क्वेश्चन और अच्छा मिल जाए शायद. तो इसके क्वेश्चन वोश्चन नहीं करे तुम लोगों ने? मुझे तो याद है कि हमने बचपन में करे थे क्वेश्चन. पूरा मोबाइल पे थोड़ी हूँ मैं. उसमें आता है एन इलेक्ट्रॉन एट एच टू मॉलिक्यूल. ठीक है वो तो एरर है, लेकिन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से तो हमें एरर आएगी एनर्जी. हाँ. है ना? अनसर्टेनिटी से तो एरर आती है इसमें. हाँ, बिल्कुल. हाँ. तो हमें फिर एरर की जगह उससे करेंगे मतलब पोजीशन अगर डिफाइन करोगे तो मोमेंटम हमारा ज्यादा फैल जाएगा उस तरीके से. तो जितना हम उसको रिस्ट्रिक्ट करेंगे एरिया में जितनी लेसर साइज होगी. है ना? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी उतना मोर मोमेंटम होगा. मोमेंटम में एरर. साइज जितनी छोटी करोगे मोमेंटम उतना फैल जाएगा उसका. इलेक्ट्रॉन क्लाउड से देखो. मतलब ये देखो एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाता हूँ. यंग्स सिंगल स्लिट वाला एक्सपेरिमेंट, सिंगल स्लिट में. ठीक है, इसी को हम लॉजिकली समझते हैं. ये ऐसा है, मैं इसको जितना छोटा करूंगा उतना ज्यादा ही फैलेगा. हाँ, बिल्कुल. तो मैं इस पोजीशन को यहां ठीक करने की कोशिश कर रहा था. मतलब मैं इसकी अभी देखो मोमेंटम इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, मोमेंटम किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है. हाँ. इसको छोटा कर दूंगा तो मैं मोमेंटम वेल डिफाइंड डायरेक्शन में कर दिया मैंने फोटॉन्स का. हाँ. और मोमेंटम वेल डिफाइंड में कर दिया तो पोजीशन इसकी अनडिफाइंड हो गई, और इसमें इसकी पोजीशन. ये कुछ समझ में आया? क्योंकि यहां ये आड़े टेढ़े फोटोन भी इसमें चले जाएंगे, यहां लेकिन सिर्फ पैरेलल वाले फोटोन जा रहे हैं. तो यहां हम डेल्टा पी को एक्यूरेट कर रहे हैं, तो यहां डेल्टा एक्स की इनएक्यूरेसी बढ़ गई. ये भी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है. अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एक तरह से यूनिवर्सल टाइप का है. तो जैसे हम डी लैम्डा बाय डी, ये बीटा था. हाँ, था. लैम्डा अगर हम छोटा करेंगे तो बीटा हमारा छोटा हो जाएगा. तो डेल्टा पी इंटू डेल्टा एक्स, तो डेल्टा पी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो डेल्टा एक्स छोटा हो जा रहा है. ठीक है. ठीक. हाँ. तो पोजीशन आप जितनी उसकी छोटी करोगे उसकी एनर्जी उतनी हाई हो जाएगी. ये एनर्जी हाई की जगह एरर इन एनर्जी नहीं होना चाहिए? हाँ, एरर इन एनर्जी नहीं होना चाहिए. वो एक्चुअली थोड़ा सा इसमें मुश्किल है वो समझाना, क्योंकि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल सिर्फ डेल्टा ही नहीं है. अच्छा. ये इससे भी कहीं ज्यादा है वो भी, लेकिन मास डिपेंडेंट नहीं होगी. पी स्क्वायर अपॉन 2m होते ना वो भी. किसमें?
तो हर जगह तो एक ही की बात चल रही है, इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है मान लो, या एटम की बात चल रही है, हर जगह एच एटम की कुछ भी मान लो, सब अलग अलग है ना, प्रोटॉन है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन, चलो इलेक्ट्रॉन इन एच टू मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन एटम इन एच टू मॉलिक्यूल, प्रोटॉन इन कार्बन मॉलिक्यूल, तो डेल्टा ई इंटू डेल्टा एक्स टाइप का बन जाएगा, है ना। ई क्या होता है, एच सी वाई लैम्डा, ऐसे ही होता है ना, मतलब e p स्क्वायर बाय 2m मोमेंटम, अगर हम इस फॉर्मूले से देखें तो मोमेंटम अगर तो इनटू डेल्टा x, तो मोमेंटम बढ़ेगा तो एनर्जी और x का प्रोडक्ट कांस्टेंट की तरफ जाएगा, x जितना छोटा एनर्जी उतनी ज्यादा। अब देखते हैं क्या है, तो सबसे छोटा कौन सा है, सबसे ज्यादा कन्फाइंड कौन सा है, नैनो ट्यूब, ये सबसे कम कन्फाइंड है तो इसकी एनर्जी लीस्ट आ गई। कन्फाइंड मतलब वो सबसे फैला हुआ, हाँ फैला हुआ है, तो x लार्जेस्ट आ गया तो एनर्जी लीस्ट आ गई। अब देखें प्रोटॉन इन कार्बन न्यूक्लियस, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस सबसे छोटा है, तो मैक्स। हाइड्रोजन एटम अब ये आ गया और ये आ गया, तो आंसर बॉम्बे ही तो है, सही तो लगा। वो पर मैं अभी सोच रहा हूँ कि आपने ये जो बात करी मोमेंटम की बात करी, मास से फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं ये यही अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल काफी डेप्थ में है, अपने इसमें है नहीं कुछ, अपने इसमें कुछ है नहीं, ये क्वांटम फिजिक्स का पार्ट है कि अगर पोजीशन को छोटा करोगे तो एनर्जी बड़ी हो जाएगी, इसीलिए हम कह पाते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एनर्जी किस ऑर्डर की है, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, एटम के अंदर किस ऑर्डर की है, फ्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और टेम्परेचर वाली मतलब मॉलिक्यूलर एनर्जी क्या है, पॉइंट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो हम जितना फैला रहे हैं स्पेस को उतनी एनर्जी गिर जा रही है। ये क्या क्या पूछ लेते हैं, पता नहीं कहीं भी आ जाते हैं, मैच के तो और गंदे होते हैं इसमें। थॉमसन थॉमस मॉडल में वो पूछ ली थी कि एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, तो बोनस करना पड़ा, निकाल के निकाली थी थॉमसन मॉडल में, हां थॉमसन था ये वाला, तो हां ये वाला पुडिंग पुडिंग, उसमें वो एक्साइटेशन एनर्जी पूछ ली थी, ये तो कंटीन्यूअस होगा इसका स्पेक्ट्रम, तो कुछ ना कुछ आंसर निकाल ही देते हैं भाई, कोचिंग वाले हर चीज को सॉल्व कर देंगे, मतलब वो तो हर चीज का सॉल्यूशन निकाल ही देते हैं कहीं ना कहीं से, चाहे क्वेश्चन सही हो चाहे गलत हो, केवीपी वालों ने दिया होता तो मैं मानता भी एक बार। ठीक है चलो, तो अपन मिलते हैं फिर, पथिक सर तुम्हें उसमें बता देंगे जब भी होगा, तो या तो कल होगा, तो कल मेरी क्लास नहीं है लेकिन कल मेरा एक मिनट कल मेरा डिस्कशन है लेकिन इसका जी सर, कितने बजे होता है, 11:30 अरे 29 और 30 वाला कभी भी दे लो, टाइमिंग फ्लेक्सिबल रहेंगे, थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ट्रेन थोड़ी दूर, 30 का डिस्कशन इवनिंग में होगा, डिस्कशन इवनिंग मतलब नाइट मान लो 8 AM 8 PM, इससे 30 का डिस्कस ही नहीं होना था। हां हां, इनके इसके तो सॉल्यूशन होंगे, सिलेबस का पूरा, तो इसमें पूरा सिलेबस होगा ना, इसमें तो फुल है, केपीवाई का टेस्ट है, केपीवाई का मॉक टेस्ट है, मैंने तो पेपर देखा तक नहीं, इतने भी पागल नहीं है प्रीवियस ईयर, टाइमिंग कभी भी दे लेना, 2 से 5 जब देना हो, है ना, बाय 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 सर, बाय सर, डीसी कर लेना, लेट हो गया।